अध्याय, वहाँ पे देखते हैं कि आदम और हवा से दो बच्चे जो है पैदा हुए हैं, एक कयोन है और दूसरा हेबल है। ये दोनों के दो भाई है, सके भाई है, और इन दोनों की माता भी एक है, इन दोनों का पिता भी एक है, यानी कि भाई भी वो एक दूसरे के भाई है। हे भाई और बहनों, दोनों भी भाई है, एक ही उनका पिता है, एक ही उनकी माँ है, लेकिन उन दोनों की सोच में बहुत सारा फर्क है। हे भाई और बहनों, बड़ा जो है कयून है, जो कि खेतीबाड़ी का काम करता है, और छोटा जो है हेबल है, जो कि भेड़ों का चरवाहा बनता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दोनों को एक ही जैसी आशीष दी, एक ही तरह उन्हें रखा, लेकिन दोनों की सोच में जो था बहुत सारा फर्क था। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि दोनों के दोनों परमेश्वर के पास अपनी अपनी बलि लेके आते हैं, लेकिन भाई और बहनों, लेकिन जब कयोन बलि चढ़ाता है तो उसकी बलि जो है स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन जब हेबल बलि चढ़ाता है तो भाई और बहनों उसकी जो बलि जो है स्वीकार परमेश्वर कर लेते हैं। वचन में 4 अध्याय और उसकी 6:5 में कुछ इस तरह से लिखा है, उसकी कयोन और उससे उसकी भेंट को ग्रहण ना किया, तब कयोन अति क्रोधित हुआ और मुंह पर उदासी छा गई। जब कयोन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया तो उसके मुंह के ऊपर क्या हुआ, क्रोध आ गया और वो बहुत ही उदास हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने कयोन से कहा, तू क्यों क्रोधित है, तेरा मुंह पर क्यों उदासी छा गई है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कयोन को किस चीज के बारे में समझा रहे हैं कि तेरी भेंट जो है स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन अगर तू भला करेगा तो तेरी भेंट भी स्वीकार की जाएगी। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि दो भाई होते हैं, दो भाइयों में से हम जब देखते हैं कि दो भाई जब ड्यूटी करते हैं, काम जाते हैं, तो दोनों का जो है तनख्वाह जो है बराबर नहीं रहेगी। हो सकता है छोटे भाई की बड़े भाई से ज़्यादा तनख्वाह हो सकता है, या कभी कभी बड़े भाई की छोटे भाई से भी ज़्यादा तनख्वाह हो। भाई और बहनों, कभी कभी इस चीज़ के बारे में भी एक दूसरे भाई एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। हे भाई और बहनों, हमें तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर, मेरे भाई को आपने अच्छी ड्यूटी दी, मेरे भाई को आपने अच्छी सी तनख्वाह वाला ड्यूटी दी, ओ भाई परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन भाई और बहनों, आजकल के जो भाई है वो अपने ही भाई के ऊपर जलन रखने वाले भाई है। हे भाई और बहनों, अपने ही भाई के भाई पे जलन करते हैं, अपने ही भाई से दुश्मनी करते हैं, अपने ही भाई का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। अगर एक भाई आगे बढ़ते रहता है तो उसके ऊपर दूसरा भाई जलन करने लग देता है। अगर एक भाई ने कार ले ली है तो वो धन्यवाद नहीं देता है परमेश्वर का कि मेरे भाई ने कार खरीद ली थी, कार ले ली है, लेकिन फिर भी अपने भाई के ऊपर जलन करने लग जाता है। अगर एक भाई घर बनाता है, दूसरा भाई नहीं बनाएगा तो भी उसके ऊपर जलन रखता है। एक भाई अगर आगे निकल गया है तो दूसरा भाई जो है देख के जलन करने लगता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी अपने भाई को, अगर वो ऊपर और आशीष पा रहा है, अगर आप उससे देख के जल रहे हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है जो कयोन से कहा था, यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट भी स्वीकार की जाएगी। हे भाई और बहनों,